सुश्री जागर, अभी हम मौजूद हैं शिमला में और शिमला में हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7,881 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें से 145 सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। शिमला में 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के माल रोड पर काफ़ी चहलकदमी देखने को आपको मिल रही होगी। यहाँ पर सुबह से ही लोग 6 बजे से वोट डालने के लिए आ रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा का के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने कुछ नहीं मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं कहा जा सकता। अपना फोन बाहर रखेंगे, अंदर कोई भी फोन नहीं लेके जाएगा। मतदान तो बहुत जरूरी है, हमें तो काफ़ी ये 5 साल के बाद मौका मिलता है अपनी सरकार को लाने का, बदलने का, जो भी हमारे मन में है वो हमें निभाना चाहिए। इस महाकुंभ में हमें मिलकर सबके साथ चलना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की सरकार बननी चाहिए? सरकार देखो सर, सरकार तो बननी चाहिए, अच्छी सरकार बननी चाहिए जो काम कर रही है, आगे भी काम करे। परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूँ और निवेदन करता हूँ सबसे कि अधिक से अधिक मतों में का अपना प्रयोग कीजिए और प्रजातंत्र को और मजबूत करें। रास्ता दे दो भाई। जाने वालों को जाने दो, नहीं है मैडम, आप 304 यहाँ से बैठा रहे भाई, बैठा रहे। अब भी लाउड लाइव भी बता रहे हैं। हो गया सर, आज ही वाइट सर बैठा। अच्छा, मीना शर्मा, रुक जाओ जी, बताएं सर, आपने प्रेस कर दिया जी? नहीं अभी नहीं। सर कर दीजिए, सर रेडी। अंकुश जी, सर माइक पे करो। हां जी, आ गए। मोरे हर राजनीतिक दल, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है, उस पर दाव खेलती है कि वो जीते आए सरकार बनाए। उसी तरह से हमें जहां से लगा जो व्यक्ति जीतने वाला है उनको टिकट देने का काम किया है। कांग्रेस है, रेबल्स जो हैं, जो हमारे बागी हैं, उसका मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के लिए वो अच्छा संकेत नहीं होता। सबने प्रयास किया कि वो ना खड़े हों, लेकिन उसके बावजूद कुछ महत्वाकांक्षी लोग खड़े हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में काम किया है उसको लेके एक बार फिर वो सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं और जनता का अपार समर्थन हमें चुनाव के अभियान के दौरान मिला है। नंबर होता है हमारा।
दिखाएंगे नहीं। थैंक यू भैया। लगेगी यार नीचे भाई नहीं यार, अंदर के लिए कोई अलाउ नहीं है, बात मानो यार। आप ले आओ इनको चेयर पे बिठा। हाँ वोट डाल के ठीक लग रहा? हाँ वोट डाल के ठीक लगा, ठीक लग रहा है जी, ठीक है। सुबह से ही 133 बूथ जो शिमला ग्रामीण के हैं उसमें से मेरा भी बूथ 129 नंबर बूथ, ये मेरा बूथ है जहां से मैं प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी का हूं, और मैं यहां सुबह से अपने इस बूथ पे देख रहा हूं मेरे गांव वालों का, प्रत्येक जन का जो सुबह से मतदान के लिए एक जो भीड़ लगी है, सब लोग जो आकर के मत देना चाहते हैं, मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि मेरा गांव मेरे साथ चला है, मेरी पंचायतें मेरी साथ चली हैं, और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं बहुत सारे जगहों पे जहां पर मेरा जाना हुआ, पूरा जन समर्थन जो मुझे मिला है, ये एक संकेत भी है जन जन की ओर से, जो जन आशीर्वाद हो रहा है वो मेरे पक्ष में होगा, ऐसा विश्वास मैं सुबह से देख रहा हूँ, बाकी जगह भी संपर्क कर रहा हूँ। जिले मेरे नाम तंजीन ओडन है, मैं टशीगंग गांव की रहने वाली हूं, मैं शिमला आरकेबी में पढ़ती हूं, मैंने विश्व के सबसे ऊंचे केंद्र टशीगंग में वोट। मेरा नाम तंजीन ओडन है और मैं टशीगंग गांव का ही रहने वाला हूं, और मैं वोटिंग के लिए धर्मशाला से स्पेशल आया हूं, मैं पिछली लास्ट को ही यहाँ पहुँचा था। तो मेरा सबसे कहना है कि सब वोट अपना डालें, सब ने अपना वोट जरूर डालना है। Thank you.